अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी, एकदम टेस्टी। चलिए बनाना शुरू करेंगे। एक पैन में ऑयल ऐड कर दी मैं 2 टेबल स्पून। अब इसमें चंद खड़े मसाले ले लेंगे, तेज़पत्ता, शाहजीरा, चकला, लौंग, इलायची और काली मिर्च है ये साबित काली मिर्च। अब इन सबको 1-2 मिनट तक छोड़ देंगे तेल में। अभी एक 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको स्लाइस में कट कर ली मैं। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जब तक सॉफ्ट होना है, हल्का सा कलर चेंज होना है, जब तक 3-4 मिनट तक इस तरह से ही लो फ्लेम पर सॉफ्ट करने के लिए छोड़ दी मैं। देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया प्याज का। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे। इसकी जगह 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, 2 टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सबको लो फ्लेम पर ही इसको छोड़ देंगे फ्राई होने तक। अब इसमें चंद मसाले ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 टीस्पून। नमक अपने टेस्टी के हिसाब से ऐड कीजिए। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दी मैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब ये लाल मिर्च पाउडर है 2 टीस्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हल्का सा फ्राई हो गए मसाले भी हमारे प्याज में। अब ये देखिए चिकन ले ली मैं, चिकन को अच्छे से वॉश करके छोड़ दी थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 300 ग्राम चिकन है ये बोनलेस चिकन, इसकी जगह हड्डी वाला चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। अब इन सबको अच्छे से 5 मिनट तक इस तरह से ही फ्राई कर लूँगी मैं। अभी पानी ऐड करना नहीं है, इस तरह से ही फ्राई करते जाएंगे। देखिए फ्राई करते करते 4 मिनट तक हो गए हमारे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बिल्कुल 1/2 कप पानी ऐड कर देना है। ज़्यादा ऐड करना नहीं है क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ता है इसलिए, और लो फ्लेम रख देना है चिकन गलने के लिए। प्याज भी गलना है और चिकन भी गलना है इसलिए लो फ्लेम पर ही छोड़ दूंगी मैं। 10 मिनट के बाद देखेंगे, 8 से 10 मिनट के बाद अच्छा सा और पानी थोड़ा सा सूख जाना है। एक बार चेक कर लेंगे चिकन गला या नहीं। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है चिकन, अच्छे से गल गया। अब इसमें चंद हरे मसाले ऐड कर देंगे, ये कोथमीर है, पुदीना और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कम मसालों में बनकर रेडी होने वाला सालन है ये चिकन दो प्याज़ा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। अब इसमें क्या करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, बिल्कुल कम, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम है। अब चिकन मसाला, गरम मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कम मसालों में बनकर रेडी होने वाला सालन है ये चिकन दो प्याज़ा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। अब क्या करेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स होने के बाद अब इसमें 1/2 नींबू का जूस ऐड कर देंगे। अगर ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में है आप लोग की तो 1 का 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, 1 या 2 नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते। चलिए अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप लोग रोटी से, चाहे चावल से, प्लेन राइस से ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। मेरी बताई हुई रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।